बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, ऐ अली, मर्द के कमज़ोर और बेज़र्फ़ होने की पहचान क्या है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मर्द के कमज़ोर और बेज़र्फ़ होने की पहचान ये है कि वो अपनी बीवी को दबा कर रखेगा। याद रखना, अपनी बीवी को ग़ुलाम समझना, उस पर बार बार हुक्म नाफज करना, उसको अपने से कम तर समझना, ये कम ज़र्फ़ इंसान की पहचान है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही वसल्लम से सुना कि रोज़े महशर मर्द के लिए सबसे सख्त हिसाब वो होगा जब अल्लाह ताला हर मर्द के सामने उसकी बीवी को पेश करेगा। फिर पूछा जाएगा कि तुम्हारे शोहर ने ज़िंदगी में तुम पर कोई जुल्म तो नहीं किया? उस वक़्त मर्द परेशान होंगे, हर वो औरत जो दुनिया में जिस मर्द की बीवी थी अल्लाह ताला के सामने अपना सवाल पेश करेगी, उस पर किया गया जुल्म अल्लाह ताला को सुनाएगी। ऐ लोगो, अपनी बीवियों के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो, क्योंकि अपनी बीवी पर जुल्म करना, उसे रुलाना, तकलीफ़ देना इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देता है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने घर की औरतों से मोहब्बत प्यार से बात करने की तौफीक अता फरमाए, उनके हकूक़ पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। इसी में इंसान की दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में अजरे अजीम है।